तो हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं, नहा धो के चेंज वेंज करके मैंने ये पहनी है, बिकॉज मुझे ना यहाँ पर पूरी बाली वाली वाइब आ रही है। वैसे ही कॉटेजेस हैं, वैसे ही आपका खाना नहीं। लुक ट्राई किया तो वो पागल हो गई, इतना कच्चा थी। या पनीर फट गया है क्या, कुछ तो फट गया है इस पनीर में। मिल गई, चीज मिलने में थोड़ा टाइम लगा, बट द व्यू इज सो अमेजिंग, द प्रॉपर्टी इज अवर रूम। Hey guys, welcome back to my channel. This is Smita Singh. And ये कौन है कि आंटी मेरे साथ पूरा घर लेके चल दी है। तो हम लोगों ने कल आया सोफिया, एक रिजॉर्ट, एक विला है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐसे कॉटेजेस बने हुए हैं, विला जैसे, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है और बहुत कुछ करने के लिए। तो कल हमने यहाँ चेक इन किया था और बहुत मज़े किए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, वो लाइव हो गया है। और अब हो गया है सेकेंड डे, तो हम लोगों ने जस्ट फ्रेशन अप ही हुए हैं, थोड़ा ब्रश व्रश करके अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए साथ में ब्रेकफास्ट करते। तो हम आ गए रेस्टोरेंट, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। टोस्टेड ब्रेड यहीं पे रख दो, यहीं पे रख दो। एंड दिस इज फ्राइड पोटैटोस, पैनकेक्स, एग्स, चपाती एंड चना, एंड आई थिंक ऑमलेट, चिकन सॉसेजेस, बीफ एंड बीफ सॉसेजेस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड, हाउ आर यू? एंड दिस इज फ्रूट्स एंड फ्रूट्स एंड योगर्ट। एंड आई थिंक दिस इज द लाइव काउंटर फॉर ऑमलेट। बस तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, ब्रेड, बटर, टोस्टेड ब्रेड और थोड़े से चने और चपाती और थोड़े से फ्रूट्स एंड मैंगो योगर्ट तराशा के लिए। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और हिमांशु ने भी चने चपाती ली है, थोड़े से फ्राइड पोटैटोज एंड चिकन लिया और चिकन सॉसेजेस। तराशा तो बस उसने तो केवल सीरियल्स लिए हैं, सीरियल्स खाएगी और योगर्ट, योगर्ट दे दो उसे। तो हमारी स्पेशल मसाला चाय हमने बनवाई है, अब हम वो टेस्ट करेंगे। दिख तो बहुत पतली पतली सी रही है, थोड़ी सी मेरे पति के लिए, थोड़ी सी या बहुत सारी, टेस्ट करके बताना है। अभी इसमें शुगर नहीं है और बोला था कि अदरक डाल देना, पर अदरक भी नहीं है, बट ठीक है यार, चलेगा। चाय मिल गई, बड़ी बड़ी बात है। एग्जैक्टली। आइए ये देखो, ये ना ये हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं यार। ये नहीं बोली बोली। तो हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं, नहा धो के चेंज वेंज करके मैंने ये पहनी है, बिकॉज इतनी गर्मी है यार यहाँ पे, इतनी धूप है कि पूछो मत, इसलिए मैंने फुल फुल कपड़े पहने हैं। और उसके बाद अब हम जाएंगे एनिमल्स को फीड कराने के लिए एंड थोड़ा सा बीच पे जाएंगे, क्योंकि धूप है इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते वहाँ, इसलिए वहाँ जाएंगे थोड़ा और फिर जो भी करेंगे आपके साथ ही करेंगे। तो चलते चलो और देखते चलो। और हाँ, मुझे ना यहाँ पर पूरी बाली वाली वाइब आ रही है, वैसे ही कॉटेजेस हैं, वैसे ही स्टेप्स, यू नो, जैसे राइस फील्ड्स थे ना बाली में, वैसे ही है। और मुझे बहुत, और ऐसा कूटा बीच जैसा लग रहा है, एग्जैक्टली कूटा जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे बाली का, बिकॉज आई लव बाली, मुझे बाली बहुत पसंद आया बहुत। तो चलो, खैर बाली का चैप्टर क्लोज हो गया है, अभी हम यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं। तो हमने तो खा लिया है, थोड़ा जानवरों को भी खिला दे, बेचारे भूखे होंगे, और भूखे तो नहीं होंगे क्योंकि लोग उन्हें कंटिन्यूसली खिला रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि उनको पेट ख़राब ना हो जाए। तो चलते हैं और बीच पे भी चलेंगे, ठीक है चलो। तो हम लोग यहीं आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, आपने नोटिस किया होगा। तो यहाँ पर बोटैनिक गार्डन है, ज़ू है, कैफ़े है एंड बीच है, और ये पूल है जो कि अंडर मेंटेनेंस है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाए, हमने दूसरे पूल यूज़ किया था। तो आ जाओ साथ में चलते हैं, यहाँ से या वहाँ से? तो हमें पहले जो भी उन्हें फीड कराना है वो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे ज़ू।
तो हमने खाना ले लिया है रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट से ये खाना ले लिया है एनिमल्स के लिए, तो अब हम उन्हें फीड कराने जा रहे हैं। साथ में चलिए, आ जाइए। देर से इतनी तेज धूप पड़ रही थी ना कि हम लोग परेशान हो गए थे, ना बाहर निकलने का मन कर रहा था, ना मेरा तो मेकअप करने का भी मन नहीं कर रहा था। बट मैं उठी, जैसे तैसे मैंने मेकअप किया, बाहर निकले, इतनी तेज धूप थी ना, अब बारिश आ गई है। तो हम लोग वहाँ वेट करेंगे, उस जट्टी टपरी क्या है उसमें वेट करेंगे, और फिर जब बारिश चली जाएगी तो हम फिर खिलाएंगे। मौसम इतना अच्छा हो गया है ना यार, मज़ा ही आ गया। लुक एट द व्यू एंड मौसम, बहुत मतलब सोने पे सुहागा हो गया। ऐसा हुआ कि मेरा माइक कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने जब वीडियो देखी तो पता चला उसमें ऑडियो ही नहीं था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम वॉइस ओवर कर देंगे। और हम अपना खाना लेके, ये देखो तराशा खाना पकड़े कंटेनर में, और वो खाना लेके हम कॉन्फिडेंटली हम कूद पड़े मैदान में कि इन सबको खाना खिलाएंगे। बेचारे भूखे हैं, भूखे नंगे बेचारे जानवर हैं। और हम लोग पहुँचे वहाँ पर, और लेकिन डर तो बिल्कुल भी नहीं था इस टाइम पे। लेकिन जैसे ही उसने खाने का डब्बा खोला, ये सब आ गए उस हट में और हमारे पीछे पड़ गए। और उसके बाद ये बोल रहा था बंदा जो कि यहीं पे काम करता है, वो बोलने लगा चलो बाहर चलते हैं बाहर, और बाहर खिलाना तुम लोग। लेकिन मेरी तो फटी पड़ी थी भांजू तराशा को लेके, क्योंकि तराशा तो बहुत डरी थी, तो तराशा को लेके वो अंदर हट पे ही थे। और ये आके यार मतलब थक थक करके खाए जा रहे हैं, चढ़ गए मेरे ऊपर चार पांच जिराफ, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। और ये ऑस्ट्रिच है जिसके बाल बाल दिख रहे हैं ना काले काले, ये ऑस्ट्रिच है। फिर उसके बाद मैं बहुत डर गई, मैंने बोला नहीं मुझे अंदर जाना है, मुझे नहीं पकड़ना। तो फिर ये बास्केट लेके हम लोग अंदर आ गए, फिर बचा कुचा खाना हमने इसे अंदर खिलाया, और फिर उसने तराशा ने भी थोड़ा सा खिलाया। और यहाँ भी देख रहे हो आप ये कैसे खा रहे हैं, ऐसे मतलब एकदम पागल हो गए। लेकिन फैशन मेरा यहाँ पे भी नहीं गया, हैट चश्मा बराबर मुझे सब फैशन चाहिए, यहाँ पे भी फटी पड़ी है लेकिन फैशन में कमी नहीं होनी चाहिए वीडियो में। तो फिर एनीवेज पूरा खाना ख़त्म हो गया, फिर भी ये लोग मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने बोला माफ़ करो भाई, अब मेरा हमारे पास खाना नहीं है। और ये बेचारे ज़ीब्रा ने एक दाना भी नहीं खाया, और ना ऑस्ट्रिच ने, पूरा जिराफ खा गए। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए जैसे तैसे। तराशा भी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसने मुझे देख लिया डरे हुए, तो वो भी डर गई। और जिराफ यहाँ वहाँ से आके उसे लिक कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो वो बेचारी बहुत डर गई थी। लेकिन मतलब ओवरऑल बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, ऑल दो तराशा ने इन्जॉय नहीं किया क्योंकि वो डर गई थी, अभी छोटी है। और लेकिन थोड़े जो बड़े बच्चे होते ना उनके लिए अच्छी है, लेकिन बड़ों के लिए भी नहीं क्योंकि मैं भी डर गई थी। तो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप लेके जा सकते हो, पूरा दिन आप मज़े कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि उसने ना टोकरी मेरे सर पे रख दी थी उसमें खाना भर के, और पांच छह जराफ उसमें ठक 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 करके खा रहे थे ना, तो मेरी तो फट गई थी सीरियसली। और मैं आके यही बता रही थी पर आवाज़ चली गई, ऑडियो चला गया, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बता दूंगी। यार मैं इतना बोलती हूँ ना कि मुझे याद भी नहीं कि अभी मैं ये क्या बोल रही हूँ, बाकी जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं अपने आउटफिट के बारे में बता देती हूँ क्योंकि यू नो अभी स्टाइलिंग चैनल है। तो ये टॉप जो है वो मैंने ज़ारा से लिया, एक्चुअली ये बॉडी सूट है। और जो पैंट्स हैं वो मैंने एलसी बाई की किसे एक कॉट सेट लिया था, उसकी पैंट्स हैं। एंड ये हैट और ये पर्स मैंने बाली से लिया था, आपने हॉल में देखा होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। तो गाइस हमारा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है, हमारा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है, और हम जा रहे हैं अब घर। चेकआउट हो गया है, ये हमारी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, ये ड्राइवर साहब चला रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए और अपने घर निकलेंगे। हम मिस कर रहे हैं दाल चावल, मैं घर जाके दाल चावल बनाऊंगी और खाऊंगी सीरियसली। और हम बीच नहीं गए क्योंकि बहुत धूप थी, बहुत हम बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। तो ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफ विद स्मिता। बाय बाय, गुड डे।